हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ पूजा, आप देख रहे हैं आइकॉनिक पूजा। सो गाइज़, आज मैं ये वॉइस ओवर करी क्योंकि जो इस वीडियो की ओरिजिनल ऑडियो है उसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो गाइज़, आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये वेडिंग एस मेकअप लुक। तो इस वेडिंग एस मेकअप लुक में मैंने ये पिंक और पर्पल आई मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप इस टाइप का कोई, इस कलर का कोई आउटफिट वेयर कर रहे हो तो आप ये मेकअप लुक ईजिली क्रिएट कर पाओगे। आप कलर्स भी अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हो अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग। तो बिगनर्स के लिए ये स्पेशली मैंने क्रिएट किया, बहुत इजी स्टेप्स, बहुत इजी वे से मैंने बताया है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइस। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेते हो तो मेरा हैंडल है आइकॉनिक पूजा, फेसबुक पेज है मेरा आइकॉनिक पूजा। बिना किसी देरी से जम करते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स बिगिन। सो गाइस, मेकअप स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्किन केयर कर। पहले मैंने आयुर्वेदा का टोनर, स्किन बहुत ज़्यादा रिफ्रेश और हाइड्रेट फील करती है। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने गुड वाइब्स का रोज मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ किया है। लिप बाम को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मेकअप के एंड में जब हम लिपस्टिक लगाएं तो बहुत अच्छे से हमारे लिप्स हील हो जाएं, ठीक है। तो मैंने गुड वाइब्स का ही लिप बाम यूज़ किया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं प्राइमर यूज़ करी, इससे हमारे जो ओपन पोर्स है वो फील हो जाएंगे और जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने रोजिप सीरम यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैंने गुड वाइब्स का यूज़ किया है। अगर आपकी ड्राई स्किन है या मॉनसून के दौरान विंटर में आप इन चीज़ों को ऐड करिए, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी गाइस। तो आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आईब्रो फिलिंग कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ब्राउन शेड पिक किया है। तो आप किसी भी आई शेडो पैलेट से कोई भी डार्क ब्राउन शेड पिक करिए, अपने आईब्रोज़ को फिलिंग कर सकते हो। आपको कोई भी मतलब अलग से आईब्रो डिफाइनर की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का ये मैंने कंसीलर यूज़ किया है। इससे बहुत अच्छे से आप क्लीन कर पाओगे अगर आप मतलब अच्छे तरीके से तैयार होना चाहते हो। अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ पर मैं आई मेकअप पहले करूँगी, बाद में मैं फेस मेकअप करूँगी क्योंकि आई मेकअप हैवी हो रही है। तो गाइस, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर मैंने दोनों आईज़ के साइड्स पे ना टेप लगा ली है। तो ये मैं दिखाना भूल गई थी लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। और पहले मैंने जो कंसीलर लगाया था उसको मैं ब्रश के साथ मैंने ब्लेंड किया है, उसके बाद मैंने स्पंज के साथ ब्लेंड किया, गैम ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। और जब भी आप कंसीलर लगाएं उसे तुरंत ही सेट कर लें क्योंकि कंसीलर ऐसी चीज़ है ना, ये बहुत जल्दी क्रीज हो जाती हैं। और बस सेट करने के बाद यहाँ पर हम आई मेकअप करेंगे। तो ये मैंने 20 समथिंग के पैलेट से पर्पल शेड लिया है क्योंकि आज हम पर्पल और पिंक का ही मैं करूँगी। तो आप कलर स्विच कर सकते हो अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं है कि यही कलर देना है आपको या जो जो चीज़ें मैं बता रही वही करना है। जो प्रोडक्ट्स आपके पास है वो चीज़ें यूज़ करिए, बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने पहले पर्पल को ब्लेंड किया है क्रीज लाइन में, फिर उसी में मैं मिक्स करूँगी ये पिंक शेड और दोनों को अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी। और आउटर वी को देख रही हूँ मैं कैसे मतलब बाहर की तरफ पुश कर रही हूँ ताकि अच्छा सा वी वाला लुक का है, ठीक है, लास्ट में। और ये मैंने स्विस ब्यूटी के पैलेट से एक डार्क पर्पल कलर पिक किया है, तो इसको मैं आउटर वी पे रखूँगी क्योंकि अगर आप डार्क कलर का यूज़ आउटर वी पे करते हो तो बहुत अच्छा लुक आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत इजी स्टेप्स हैं गाइस। मतलब एक क्रीज लाइन देना है, लास्ट में आपको डार्क शेड रखना है, बाकी बचे आईलिड में आप कोई भी अपना हाईलाइटर यूज़ करिए, आपका आई मेकअप हो जाएगा गाइस। इसके बाद आपको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इसमें मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, मतलब कट क्रीज किया है। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हो तो कट क्रीज स्किप कर दीजिए। फिलहाल यहाँ पर मैंने कट क्रीज किया। अगर आपकी हुडी डाइज है तो कट क्रीज को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ से रखिए, मतलब उसकी जो गलाई है आपको ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। ये मैंने टिप बताती जा रही हूँ साथ के साथ। और यहाँ पर मैंने पर्पल ये आईलाइनर होते हैं कलर्ड आईलाइनर, इसको मैंने फिल कर दिया है, ठीक है। तो बस फिल करने के बाद थोड़ा सा फिंगर से मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट एक जगह इकट्ठा ना हो। और ब्लेंड करने के बाद मैंने बता रही हूँ ना, मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा एफर्ट्स डाले इस आई लुक के लिए। और यही पर्पल शेड मैं अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से डिफाइन करूँगी ताकि एक शार्प कट क्रीज नज़र आए, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये स्टेप स्किप कर सकते हो। लास्ट आउटर कॉर्नर को आप डार्क कलर और बाकी बचे हुए आईलिड में आप कोई भी हाईलाइटर या लाइट शेड या शिमरी शेड्स दे सकते हो। यू आर डन, ठीक है। तो बस ये मैंने एक गोल्डन शेड पिक किया है और इनर कॉर्नर में लगाया है। तो आप देख सकते हो इनर कॉर्नर में आपको लाइट कलर यूज़ करना, आउटर वी में आपको डार्क कलर यूज़ करना। बस इन्हीं दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, आपका आई मेकअप इतना अच्छा होगा ना, इतना अमेजिंग होगा। ये चीज़ें याद रख लो, बस आपको कुछ नहीं करना।
बस यहाँ पर मैंने विंग आईलाइनर दिया है, परसोनिक का लाइनर यूज़ किया है। आप अगर विंग में नहीं कंफर्टेबल हो तो ये टेप नहीं हटाना गाइस, जब तक आपका आई मेकअप नहीं हो जाता, जब तक आपका लाइनर नहीं लग जाता। आपको बहुत हेल्प मिलेगी विंग आईलाइनर लगाने के लिए, ठीक है। जैसे ही आपका आईलाइनर लग जाता है, आई मेकअप हो जाता है, उसके बाद जैसे ही आप ये टेप रिमूव करोगे ना, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एट द एंड देखना, ये देखिए मेरी आईज़ कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, कहीं भी गंदा या मैसी नहीं हुआ है लास्ट कॉर्नर में, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है, इसलिए कह रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इसी तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे मेकअप रिगार्डिंग, स्किन केयर रिगार्डिंग। तो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है लगना, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा गाइज। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम फेस की तरफ बढ़ते, क्योंकि आईज़ में बहुत ज़्यादा मैंने ड्रामेटिक की है, तो इसलिए मैंने आई मेकअप पहले किया था, फेस मेकअप बार यूँ, ठीक है। तो वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन यूज़ किया है, तो आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली ये ब्लेंड होता है गाइज। अगर आप सीरम्स ऐड कर लेते हो ना, तो और ज़्यादा ग्लाइड होता है। और बस यहाँ पर मैंने नेचुरल फिनिश के लिए मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया। पहले मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया, फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है। उसके बाद कंसीलर मैंने सेम कंसीलर यूज़ किया, स्विस ब्यूटी का, और हाईलाइट करी यहाँ पर। और जब भी आप हाईलाइट पर्पज से कंसीलर यूज़ करते हो, तो गाइज आप अपनी स्किन टोन से दो शेड लाइट लें, और जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना है, बेसिकली हम कहाँ हाईलाइट करते हैं, अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, ठीक है। सॉरी गाइज। तो यहाँ पर मैंने आईज़ के नीचे और थोड़ा सा रिवर्स कॉन्टोरिंग और नोज़ पर लगा लिए, ताकि फेस हाइलाइटेड नज़र आए। और जैसे आप कंसीलर लगाते हो, उसे सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया, आप चाहें तो लूज़ पाउडर लगा सकते हो, जो प्रोडक्ट्स हो गाइज आपके पास, ठीक है। और सेट करने के बाद आप देख सकते हो बेस कितना फ्लॉलेस नज़र आ रहा है, बहुत अमेजिंग नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम ये मैंने 20 समथिंग का पैलेट यूज़ किया, इसमें से ये मैंने कूल टोन ब्राउन शेड है, जो ये प्रॉपर कॉन्टोर शेड है। अगर आपके पास कॉन्टोर शेड नहीं, कोई भी पैलेट से लाइट ब्राउन शेड पिक करिए, आप अपने फेस को कॉन्टोर करिए। तो कॉन्टोर मतलब आपके फेस को पतला बना देता है, मतलब जिनके चबी चिक्स हैं ना, जिनको शिकायत रहती है मैं बहुत मोटी दिख रही हूँ, बहुत गाल फूले फूले हैं, तो वो उसको पतला बना देगा। ये ट्रिक है गाइज, आप यूज़ करिए, फिर मुझे बताइए, अपने कमेंट्स करिए ज़रूर, ठीक है। तो मैंने नोज़ कॉन्टोरिंग करी, आप देख सकते हो ना मेरी नोज़ कितनी ज़्यादा पतली पतली लग रही है, हालांकि ऐसा रियल में नहीं है, रियल में बहुत पकौड़े जैसी नाक है मेरी। मुझे नोज़ कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बस सेम पैलेट से मैंने ब्लश लगा लिया है, जब तक हमारे लाल गुलाबी गाल नज़र नहीं आएंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो बस सेम पैलेट से मैंने हाइलाइटर यूज़ किया, ये वाला मेरा फेवरेट वाला मतलब पार्ट आ जाता है, मुझे हाइलाइटर यूज़ करना बहुत पसंद आता है। तो जहाँ जहाँ आपने कंसीलर लगाया, वहीं वहीं आपको हाइलाइटर भी लगाना है, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, क्यूपिड बो, चिन पे, थोड़ा सा चिक बोन्स पे, ठीक है। तो ये हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इन्हें हाईलाइट करते हो, तो जैसे इस पर लाइट पड़ती ना, तो आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइडी नज़र आता है। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा आईज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे लोअर वाटर लाइन पे ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जो मैंने डार्क पर्पल शेड यूज़ किया था ना, उसी को मैंने लोअर वाटर लाइन पे स्मोक आउट किया है, इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है। और काजल के लिए यहाँ पर आज मैं वाइट काजल यूज़ करूँगी, ब्लैक नहीं यूज़ किया है मैं, मतलब थोड़ा टू बी सेफर साइड वाइट ही मैंने यूज़ किया। इससे क्या होता है कि जो आपकी आँखें हैं वो बड़ी बड़ी लगती हैं, अगर वहीं अगर आप ब्लैक, लेकिन अगर आपके पास ब्लैक है तो आप ब्लैक यूज़ करिए गाइस, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं इनर कॉर्नर को एक्सटेंड कर रही हूँ, ताकि एक कैट वाली फिनिश आए, समझ रहे हो, बड़ी सी आईज़ लगती हैं ऐसे। बस यहाँ पर मैंने मस्कारा लगा लिया है, फेक आई लैशेज लगा लूँगी, फॉल्सेस लगा लूँगी और मेकअप हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप फॉल्सेस नहीं लगाते हो, तब भी आप मस्कारा की 2 से 3 कोट लगाओगे, यू आर डन। यहाँ पर काफ़ी मेकअप कंप्लीट हो चुका है, जस्ट लिपस्टिक रहती है और मेकअप को सेट करना ज़रूरी है। ले 20 समथिंग के मेकअप फिक्सर से, और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है सूखने के लिए, तो आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हो, ताकि वो स्किन में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिपस्टिक यूज़ की है पिंक कलर की, आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग लिपस्टिक को मतलब स्विच कर सकते हो गाइज, ठीक है। सो गाइज, ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक, मेरा मेकअप लुक। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी सीखेंगी, देखेंगी, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हाई बन के साथ मतलब अपने लुक को कंप्लीट किया है। कमेंट ज़रूर करिए नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो, और ये मेकअप लुक कैसा लगा, ये वाला ज़रूर कमेंट करना गाइज़। मुझे बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ,
उम्मीदें रहती हैं आप लोगों के साथ, लेकिन आप कुछ भी कमेंट नहीं करते हो, कुछ भी लाइक नहीं करते हो, तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।